बोलिए, दूसरा नहीं करता। जया गोपी जन बल्लभा वरधारी, जया गोपी जन बल्लभा वरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव विहारी, राधा माधव च विहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए, सभी बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jor se. तालियां हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधा जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा गौरनिताय 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 जय गौरनिताय 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 सभी प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर एटाय जग बीबीटी फाउंडर एटाय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन गोप गोपिना श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगतगुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर परमंदे ऑल ग्लोरिस्ट असम्बल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरिस्ट असम्बल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरिस्ट असम्बल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरिस्ट ऑल ग्लोरिस्ट ऑल ग्लोरिस्ट श्री गुरु एंड गौरंग ऑल गुरु श्री शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज की भगवद्गीता क्लास में स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक पे। तो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है तो आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। तो पहले हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे जो है उसका वर्ड पूरा श्लोक पढ़ेंगे। पंचजन्या ऋषिकेशा देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महासंकः भीमकर्मा विक्रोधरा पंचजन्या ऋषिकेशो देवदत्ता धनंजया पौंड्रम दाद्मो महासंख भीमकर्मा वकोदरा पंचजन्या ऋषिकेशो देवदत्ता धनंजया पौंड्र दाद्मो महासंख भीमकर्मा वकोदरा पांचजन्या ऋषिकेशो देवदत्ता धनंजया पौंड्र दाद्मो महासंख भीमकर्मा वकोदरा। बोलिए। पंचजन्या ऋषिकेशो देवदत्ता धनंजया पौंड्रम दद्मो महासंघ भीमकर्मा माताजी पांचजन्या ऋषिकेशो देवदत्ता धनंजया पौंड्रम दद्मो महासंघ
भीम कर्मा वकोधरा। धन्यवाद। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। महापंचजन्यम पंचजन्य नामक ऋषिकेश, ऋषिकेश कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देशन करते हैं। देवदत्तम देवदत्त नामक संघ। धनंजया धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला ने। पौंड्रम पौंड्रम नामक संघ। दद्मो बजाया महासंकम भीषण शंख। भीमकर्मा अति मानवीय कर्म करने वाले। वृक उदरा अति भोजी भीम ने। तो अनुवाद ध्यान से सुनेगा। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वालों ने करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके विभिन्न अंश हैं, अतः जीव को जीव की इंद्रियों भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों के कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त इन जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वो इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्त की इंद्रियां या तो प्रत्यक्ष विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विभिन्न कार्यों के अनुसार उनके विभिन्न विभिन्न नाम हैं। उदाहरण उनका एक नाम है मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर को मारा था। वो गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। श्री श्री राधा राधिकारमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौर निताय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के बाल लीलाएं करने के कारण वो यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण उन्हें पार सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम है ऋषिकेश, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम विकोधर कहलाते हैं। जैसे कि वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार अधिक मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिम्बासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण ने ना कि भाग्य की देवी श्री थी ना तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे ना कि भाग्य की देवी श्री थी, अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञान विरंदस्या ज्ञानांजना सलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणललिता श्रीविशाखानितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हरे कृष्णा। तो जो भक्त दर्शन कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा थोड़ा आगे चले जाएं, पीछे भक्त जो हैं वो कथा सुन रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। थैंक यू। तो आज जो है हम भगवद गीता के 15 श्लोक में चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। तो श्लोक का अनुवाद एक बार फिर से पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य संख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त संख तथा अति भोजी तथा अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक भयंकर संख बजाया। तो यहाँ पे जो है अलग अलग संखों के बारे में बताया जा रहा है कि अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग संख थे। तो सबसे पहले हम भगवद्गीता के महात्म्य में शंकराचार्य बहुत ही फेमस श्लोक कोट करते हैं कि अगर कोई भगवद्गीता को सुनता है पढ़ता है तो उसका क्या लाभ होता है। तो शंकराचार्य बताते हैं, एका शास्त्र देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एवा एको मंत्रस्य नमानि यानि कामन्य एव तस्य देवस्य सेवा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं शंकराचार्य कह रहे हैं, एको शास्त्र देव की पुत्र गीतम। इस संसार में आप देखते हैं कि बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो कोई कह सकता है कि प्रभु जी कौन सा ग्रंथ पढ़ें, कौन सा क्या हम पढ़ें। तो यहाँ पे शंकराचार्य स्पष्ट कर रहे हैं कौन सा शास्त्र हमें पढ़ना है, एको शास्त्र देव की पुत्र गीतम। तो देवकी के जो पुत्र हैं कौन है, देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जो गीत है वो क्या है, श्रीमद् भगवद गीता। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भगवद गीता है वो एकमात्र शास्त्र हमें पढ़ना, एको देवो देवकी पुत्र एवा। और जो एक जो देवता है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। एको देवो देवकी पुत्र एवा, जो एकमात्र ईश्वर है वो है भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य नमानि यानि, और केवल एक मंत्र जो जप करने के लिए है वो कौन सा मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कार्मण्य एव तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही काम है वो क्या है, भगवान की सेवा। ठीक है, तो ये जो है कौन बता रहे हैं, शंकराचार्य। तो शंकराचार्य जो है वो उनको मायावाद दर्शन के लिए भगवान शिव का अवतार बताया जाता है, लेकिन वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अगर हम कोई एक शास्त्र पढ़ना चाहते हैं वो भगवद गीता है, और कोई एक देवता है वो तो भगवान श्री कृष्ण, और केवल एक ही मंत्र अगर हम उससे पूर्ण सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो कौन है, हरे कृष्ण महामंत्र, और केवल एक ही कार्य है वो क्या है, भगवान की सेवा। तो इसी से हम आज का श्लोक शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारे अलग अलग संघों के बारे में वर्णन किया जा रहा है।
तो भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, तो हम भगवत गीता को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो पहले जो 6 अध्याय हैं वो हैं कर्म युग, जो बीच के 6 अध्याय हैं 6 से 12 वो है भक्ति योग, और जो लास्ट के श्लोक हैं वो कौन से श्लोक हैं, जो 12 से 18 हैं ज्ञान योग। तो भक्ति योग को भगवान ने बीच में क्यों रखा है, सेंटर में क्यों रखा है? भक्ति के द्वारा ही भगवान, भक्ति के द्वारा ही। यस यस माता जी, यस। यस बहुत अच्छा, नाइस, थैंक यू। तो जैसे माता जी ने बताया कि जो भक्ति है बहुत ही प्रीशियस है, जैसे माता जी ने एग्जांपल दिया सैंडविच का, सैंडविच में दोनों तरफ जो है क्या होता है, ब्रेड होती है, और बीच में क्या होता है, जो मीन जो होता है वो बीच में होता है, क्रीम और बीच में जो होता है। तो इसी तरह से भगवान ने, ताकि जो मायावादी, छायावादी, कायावादी जो हैं वो भक्ति को टच ना करें, इसलिए जो भगवान ने क्या किया, उसको बीच में, सेंटर में रखा है। और एक और एग्जांपल देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो बताते हैं कि एक ज्वेल्स बॉक्स का एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर एक ज्वेल्स बॉक्स है, अगर ज्वेल्स बॉक्स को आप खोलते हैं तो बीच में क्या रहता है, बीच में ज्वेल्स रहता है, ऊपर नीचे उसका ढक्कन रहता है। तो उसी तरह से ऊपर जो है ज्ञान और कर्म का जो है वो आवरण है, और बीच में क्या है, भक्ति है। तो इस तरह से वो बताते हैं। तो भगवद गीता में मुख्य रूप से 5 विषयों पे चर्चा की जाती है। कौन कौन से विषय हैं जिस पे चर्चा की जाती है? 5 मुख्य विषय हैं जिस पे चर्चा की जाती है। आप आगे आ जाइए, दिखाई दे रहा है। 5 मुख्य विषय हैं भगवद गीता के, कौन बताएगा? हाँ, प्रकृति, एक प्रकृति भी है। कर्म लास्ट है। तो भगवद्गीता के जो मेन 5 सब्जेक्ट मैटर हैं वो हैं ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ईश्वर के बारे में चर्चा की जाती है भगवद्गीता में, कि ईश्वर कौन है, हमारा ईश्वर के साथ क्या संबंध है, और कैसे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, यानी संबंध, अविधेय और प्रयोजन। हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, और भगवान को अचीव करने के लिए क्या प्रोसेस है, और अंतिम हमारा क्या डेस्टिनेशंस है। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, भगवद गीता में। फिर है जीव, जीव मतलब जो हम हैं, हमारी क्या पोजीशन है, हमारी क्या स्थिति है, वो भी भगवद गीता में उसको डिफाइन किया जाता है। हम कौन हैं, भगवान के अंश हैं, और हमारा क्या काम है, भगवान की सेवा करना। लेकिन अभी जो हम अलग अलग लोग सेवा कर रहे हैं, कोई घर की सेवा कर रहा है, कोई किसी गवर्नमेंट की सेवा कर रहा है, कोई मालिक की सेवा कर रहा है। शिल प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई किसी की सेवा नहीं कर रहा है तो वो किसकी सेवा कर रहा है, अपनी सेंसेस की। जो हमारी सेंसेस कहते हैं कि उधर चलो, हम उधर चले जाते हैं, हम ये खाओ हम वो खा लेते हैं। तो अभी जो है हम किसी ना किसी के दास हैं, लेकिन हमें किसका दास बनना है, भगवान की सेवा, ठीक है। और फिर भगवद्गीता में प्रकृति के बारे में बताया जाता है, प्रकृति यानी नेचर। तो प्रकृति कैसे एक्ट करती है, प्रकृति का भगवान के साथ क्या संबंध है, हमारा प्रकृति के साथ क्या संबंध है। प्रकृति मतलब नेचर, जो हम, जो भी हम चर अचर देखते हैं, चर मतलब जो लिविंग है, और अचर मतलब जो नॉन लिविंग है, चल नहीं सकते ऐसे। तो चर अचर के बारे में भगवद गीता में बताया जाता है, प्रकृति के बारे में भगवद गीता में बताया जाता है। और इसके अलावा काल, काल मतलब समय, टाइम। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कालो अस्मि, जो टाइम है वो कौन है, मैं हूँ। तो काल के बारे में भगवान बताया जाता है, और साथ में कर्म। तो जो 4 चीज़ें हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, इसको जो है हम चेंज नहीं कर सकते। हम क्या चेंज कर सकते हैं, कर्म। तो कर्म जो है हम, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम अच्छे भी कर सकते हैं और बुरे भी कर्म कर सकते हैं। तो अच्छे कर्म क्या होते हैं और बुरे कर्म क्या हैं, अच्छे कर्म क्या हैं, बुरे कर्म क्या हैं? हाँ, तो जो शास्त्रों के अनुकूल होते हैं वो अच्छे कर्म हैं, और जो शास्त्रों के विपरीत कर्म हैं वो क्या हैं,
विवेक कर्म। तो शास्त्रों के अनुकूल कौन से कर्म होते हैं? तो भगवान की सेवा करना, जैसे माता जी ने बताया, भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना और भगवान के भक्तों में रह के भक्ति में आगे बढ़ना, है ना। तो ये सारे कर्म जो है भगवत गीता में भगवान और अलग अलग स्क्रिप्चर्स के माध्यम से हमें वैदिक शास्त्रों में हमें मिलते हैं। और मुख्य रूप से बहुत सारे कर्म हैं तो उनका पालन हमें करना चाहिए। और जो बुरे काम हैं वो कौन कौन से हैं? अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करना और जो चार नियम हैं मुख्य रूप से उनको तोड़ना, उनके पालन नहीं करना। तो ये जो है शास्त्रों के विपरीत कर्म है, ठीक है। शास्त्रों के विपरीत चार कर्म कौन कौन से हैं? किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं करना और किसी प्रकार का नशा नहीं करना। तो ये चार कर्म जो है वो मुख्य रूप से हमें बताए जाते हैं। और जो चैप्टर वन है, जो एक से छः है, उसमें आज हम भगवद गीता का जो चैप्टर वन पढ़ रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से 46 वर्सेस हैं। तो 46 वर्सेस को भगवान ने किस तरह से डिवाइड किया है? एक से 13 जो वर्सेस हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ वॉर। प्रिपरेशन ऑफ वॉर का मतलब क्या होता है? युद्ध की तैयारी। तो फर्स्ट जो वर्सेस है उसमें कौन सा वर्सेस है? फर्स्ट श्लोक कौन सा है भगवद्गीता का? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युष्यवा मामका पांडवा चैवा किम अकुर्वत संजय। तो ये कौन बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र जो है पूछ रहे हैं संजय से। और दूसरा क्या, कौन सा वर्ड्स है? दूसरा जो है वो संजय आंसर देते हैं जो धृतराष्ट्र का फर्स्ट क्वेश्चन है। और जो फर्स्ट 1 से 13 जो हमने श्लोक्स बताए हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध की तैयारी। तो इसमें युद्ध की कैसे तैयारी की जा रही है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। और फिर 14 से जो 20 है वो है साइन ऑफ विक्ट्री, यानी युद्ध की विजय, कैसे युद्ध की विजय होती है पांडवों की, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो किस तरह से युद्ध की विजय हो रही है, क्या क्या साइन आएंगे इसमें, जैसे अभी इस श्लोक में हम पढ़ेंगे तो इसमें एक साइन है युद्ध की विजय का, शंख। जो शंख पांडव बजा रहे हैं उसको क्या कहते हैं? दिव्य बताया गया, यानी कि ट्रांसडेंटल बताया हुआ, दिव्य शंख। उसके अलावा जो अर्जुन के पास जो रथ है, वो जो रथ किसने दिया था अर्जुन को? अग्निदेव ने दिया था। और इसके अलावा जो अर्जुन का जो रथ है उसके ऊपर कौन विराजमान है? हनुमान जी भी हैं और एक और हैं, नारायण तो हैं ही उनके साथ, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, और कौन है? श्री लक्ष्मी जी उनके साथ में। तो जहाँ लक्ष्मी जी हैं, जहाँ जो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, वहाँ विजय अवश्य होती है। ये कौन घोषणा करते हैं? लास्ट श्लोक में घोषणा करते हैं। कौन घोषणा करते हैं? संजय। क्या, कौन सा श्लोक आता है? यत्र योगेश्वरा कृष्णा, बोलिए सही बोलिए, यत्र योगेश्वरा कृष्णा तत्र पार्था धनुर्धरा, यत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा नीति मतिर्ममा। तो क्या बता रहे श्लोक में? इस श्लोक में 5 चीज़ें बता रहे हैं। तो जहाँ अर्जुन और कृष्ण हैं वहाँ क्या रहेगी? विक्ट्री, विजय रहेगी। वहाँ नीति रहेगी, वहाँ कैसे काम को किया जाता है वो रहेगा, वहाँ मति रहेगी, और वहाँ पे हमेशा क्या होगी? जीत हमेशा कहाँ होगी? जहाँ पे अर्जुन हैं और जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हैं। तो ये कौन बता रहे हैं? संजय बता रहे हैं, ठीक है। और फिर हमने जैसे यहाँ पे चर्चा किया, और उसके अलावा 21 से 27 जो वर्सेस हैं उसमें क्या बताया जा रहा है? भगवान की भक्त वशलता, कि भगवान जो है अपने भक्तों के प्रति कितने भक्त वशल हैं। तो कैसे भगवान भक्त वशल हैं? भगवान कैसे भक्त वशल हैं अपने भक्तों के प्रति? यस, भगवान ने जो है, यस मत,
बहुत अच्छा, नाइस। तो भगवान ने जो है अपना वचन तोड़ा था। क्या वचन था भगवान का? भगवान ने वचन लिया था कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान ने क्या किया, अपनी वचन तोड़ दिया। किसके लिए? अपने भक्त के लिए। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ऐलान करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो ऐसा भगवान अर्जुन को क्यों बता रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा? भगवान खुद भी कह सकते हैं, तो अर्जुन को क्यों बता रहे हैं भगवान ऐसे? कोई कह सकता है कि प्रभु जी यहाँ पे जो है, भगवान खुद भी कह सकते हैं, भगवान एक अपने आप में एक सर्वोच्च अथॉरिटी हैं, भगवान एक सर्वोच्च सत्य हैं, वो खुद भी बता सकते हैं कि मेरे भक्त का भी नाश नहीं होगा, लेकिन अर्जुन को बता रहे तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, ऐसा क्यों आप बता रहे थे? यस, हाँ। तो अपने वचन को भगवान तोड़ सकते हैं, और तोड़ा भी। इस लीला में हम देखते हैं भगवान ने अपना वचन तोड़ा, भगवान ने शस्त्र उठाया। तो भगवान जो है अपने भक्तों के वचन को कभी नहीं, अगर जो भगवान पे आश्रित है, जिसने भगवान की शरण ग्रहण की है, तो भगवान का पालन पोषण करना उनका परम कर्तव्य है। ऐसा श्लोक जो है रामायण में भी आता है। जब एक बार जब हनुमान जी जब लंका से वापस आते हैं और भगवान राम जी से प्रार्थना अर्पित करते हैं, कि वो कहते हैं कि मैंने जानकी जो सीता मैया है उनकी खोज कर दी, वो अशोक वाटिका में है और वहाँ पे आपके लिए विलाप करती हैं, उन्होंने आपके लिए मुद्रिका भेजी है। तो फिर उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है कि वहाँ ऊपर से जो है एक देखते हैं कि एक लंका की तरफ से एक जो है राक्षस आ रहा होता है। वो कौन थे? राक्षस नहीं थे, वो भगवान के परम भक्त थे। कौन थे? विभीषण। तो विभीषण जो है वो उठ के आ रहे होते हैं, तो जो सुग्रीव होते हैं वो किसके पास जाते हैं? वो भगवान राम के पास जाते हैं, और भगवान राम के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान ये जो है ज़रूर ये जो है कौन है, ये रावण का दूत है और ये जो है हमारी जो सेना है इस पर आक्रमण करने के लिए छुपके से आया है, तो इसको जो है यहीं से हमें इसको मार देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए इसको। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि नहीं, जो है हमें जो है हमें अभी आने दो, इसको हम देख लेते हैं। फिर सुग्रीव जो है बहुत आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, ये जो है जो राक्षस होते हैं उन पे हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, उनकी मति जो है कभी भी चेंज हो सकती है। और फिर हनुमान जी भगवान फिर हनुमान जी की तरफ इशारा करते हैं कि आपका क्या मत है? तो हनुमान जी कहते हैं कि भगवान जो है वो मेरा मत जो आपका ही मत है वही है, और भगवान हम एक बार देख लेते हैं कौन है, एक बार नीचे आने दीजिए। फिर विभीषण नीचे आते हैं और भगवान को जैसे देखते हैं तो भगवान को प्रणाम करते हैं, और जैसे विभीषण प्रणाम करते हैं तो भगवान विभीषण को एक बहुत फेमस श्लोक कोट करते हैं। उसमें बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि अगर किसी ने एक बार भी ये कह दिया कि भगवान आज से मैं आपका हूँ, किसी ने क्या कह दिया, आज से मैं आपका हूँ, अगर मैंने राधिका रमन जी के सामने हमने ये कह दिया कि भगवान राधिका रमन जी आज से मैं आपका हूँ, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? श्री राम कहते हैं कि उसके जितने भी पाप कर्म हैं वो मैं ख़त्म कर देता हूँ और उसको क्या करता हूँ, अपनी प्रेम में ही भक्ति देता हूँ। तो फिर आगे सुग्रीव कहते हैं कि भगवान अगर रावण ने आपकी शरण ले ली तो आप फिर रावण को क्या देंगे? अगर तो भगवान क्या कहते हैं, श्री राम क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उसको क्या क्या दे दूंगा, पूरा अयोध्या का राजपाट मैं किसको दे दूंगा, रावण को दे दूंगा, अगर रावण ने क्या कर दिया, मेरी शरण ग्रहण कर दी। तो भगवान की हम यहाँ पे भक्तवत्सलता देखते हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों के प्रति कितने भक्तवत्सल हैं। तो अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान जो है हमारी संपूर्ण तरह से रक्षा करते हैं। और भगवान की शरण ग्रहण का कलयुग में सबसे आसान तरीका क्या है, भगवान के नाम का जप करना। तो हम कहीं भी रहें, चाहे हम घर पर रहें, चाहे हम वन पर रहें, चाहे हम किसी भी आश्रम में रहें, तो हमारा क्या कर्तव्य है कि हम भगवान के नाम का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि भगवान ने जो है अपने नामों में अपनी सारी शक्ति अर्पित कर दी है, और वो कहते थे कि हमेशा एक भक्त को हमेशा नाम जप करने चाहिए। तो आप में से पॉसिबल है किसी के लिए हमेशा नाम जप करना? पॉसिबल है? मुश्किल है थोड़ा सा, हमेशा नाम जप नहीं हो पाता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा था कि जो 64 माला नहीं करता वो क्या है? पतित है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब ये स्टेटमेंट विदेश के भक्तों के सामने रखी कि 64 माला करो, तो सबके सर जो है नीचे हो गए। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने कहा कि 32 माला, तो सबके सर फिर नीचे हो गए। तो श्रील प्रभुपाद ने फिर कहा कि 16 माला और इससे कम नहीं। तो हमें श्रील प्रभुपाद जी ने कितनी माला दी है? 16 माला, उससे कम नहीं करना है। ठीक है, तो कितनी माला करनी चाहिए मेरे रोज? कम से कम, कम से कम। तो कौन कौन है जो भक्त 16 माला करते हैं प्रतिदिन? 8 माला करते हैं। 4 माला, 1 माला। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप धीरे धीरे अपनी माला बढ़ाइए। जो 1 करते हैं वो 2 कीजिए, जो 2 करते हैं 4 कीजिए, जो 4 करते हैं वो 6 कीजिए। तो धीरे धीरे हमें अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है ना। और तो यहाँ पे अर्जुन फिर फदर जो है, अर्जुन फिर 28 से 46 जो है अर्जुन के 5 डाउट्स अर्जुन पूछते हैं। तो आगे जो स्पीकर्स आएंगे वो 5 डाउट्स अर्जुन के बताएंगे कि अर्जुन जो है वो उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा मैं आज। और फिर भगवान के अलग अलग संकों के बारे में चर्चा की गई है। तो भगवान कृष्ण का संघ का नाम क्या है? पंचजन्य। और अर्जुन के संघ का नाम क्या है? देवदत्त। और भीम के संघ का नाम? पौंड्रक। और युधिष्ठर? अनंत विजय। और नकुल के? सुघोष। और सहदेव? मणिपुष्पक। तो ये जो है उनके संघों का नाम है। और आज के जो विशेष वर्ष है इसमें जो भीम है उसका नाम विक्रोधर, विकोधर, विकोधर क्यों कहा, क्या क्यों कहा गया अर्जुन को, भीम को? क्योंकि वो ज़्यादा खाते भी हैं और क्या करते हैं, ज़्यादा सेवा भी करते हैं। हाँ, अति मानवीय कार्य भी करते हैं और ज़्यादा सेवा भी करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का मैं प्रवचन सुन रहा था, इसी वर्सेस पे सुन रहा था। तो प्रभुपाद एक बंगाली स्टेटमेंट कोट कर रहे थे। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि प्रभुपाद बता रहे थे पीटा खेली पीटा से। अब इसका मतलब मुझे, मतलब प्रभुपाद ने बताया कि अगर कोई कोई अगर अच्छा खाता है, स्टमक में ज़्यादा बैली में खूब प्रसाद डालता है, तो उसको अपनी कमर में जो है भारी वजन भी रखना चाहिए ऐसे। तो अगर कोई प्रसाद अच्छे से खाता है या जो है भगवान का अच्छा से दर्शन करता है, प्रसाद का सेवन करता है, तो उसको क्या करनी चाहिए? सेवा भी करनी चाहिए। तो हमारे सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी 3 तारीख से क्या शुरू हो रहा है? चंदन यात्रा, अक्षय तिथियाँ। तो 21 दिन तक भगवान के जो दिव्य शरीर है उस पर क्या लगाया जाएगा? चंदन। तो भगवान का जो दिव्य शरीर है, ट्रांसेंडेंटल बॉडी है, तो भगवान के दिव्य शरीर पे जो है चंदन का लेप किया जाएगा। और अभी हमारे पास बहुत सुंदर अवसर है कि भगवान के लिए यहाँ पे चंदन की सेवा होती है, तो हम भगवान की सेवा कर सकते हैं चंदन को घिस के, भगवान का मंदिर को साफ करके, भगवान का विग्रह का दर्शन करके, भगवान का कथा को सुन के। तो अलग अलग माध्यम है भगवान की सेवा करने का। और इसके अलावा जो है आज का जो तात्पर्य है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो इस श्लोक में पहला जो लाइन है उसमें प्रभुपाद कह रहे हैं, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। तो भगवान जो है क्या है? भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें वर्ष में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान अपोहनम चा। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं जो है सबके हृदय में विराजमान हूँ और मैं क्या हूँ? मैं सबको जो है गाइड करता हूँ। तो भगवत गीता में बताते हैं भगवान कि मैं जो हूँ सबके हृदय में विराजमान हूँ और मैं गाइड करता हूँ। अगर कोई मुझे भूलना चाहता है तो मैं क्या करता हूँ? उसको भूलने की शक्ति भी मैं ही देता हूँ। तो जितने भी ये निर्विशेषवादी हैं, छायावादी हैं, कायावादी हैं, जो भगवान को भूलना चाहते हैं, तो भगवान जो है उनको क्या करते हैं?
भगवान ही उनको भुलाने की शक्ति देते हैं। मतः स्मृति ज्ञान अपोहनम च, और भगवान ज्ञान भी देते हैं। अगर कोई भगवान को याद करना चाहते हैं तो भगवान क्या करते हैं, उसको ज्ञान देते हैं। अगर भगवान को कोई समझना चाहता है भगवत गीता के माध्यम से, भगवत गीता को कोई पढ़ता है सिंसियरली और भगवान को समझना चाहता है, तो भगवान क्या करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन मान उपयान्तिते। भगवान उसको क्या करते हैं, उसको बुद्धि देते हैं ताकि वो क्या करें, मुझे समझ सके। तो इसलिए भगवत गीता का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। और भगवत गीता जो है ये गीत है, किसका गीत है, भगवान का गीत है। जैसे हम भी बहुत सारे गीत सुनते हैं, फिल्मी गीत सुनते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड के गीत सुनते हैं, तो ये क्या कौन सा गीत है, ये भगवान का गीत है जो भगवान ने अपने मुँह से गाया हुआ है। और भगवान जो है अपनी इंद्रियों के द्वारा जो है सभी को गाइड करते हैं, है ना। और सारे जीव जो हैं भगवान के विभिन्न अंश हैं, अतः जीवों के इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। तो भगवान की जो है, जो जीव है वो भगवान का क्या है, अंश है। तो एक अंश की क्या 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 काम होता है, अंश का, अंशी की सेवा करना। तो हमारा मुख्य काम क्या है, अंशी, जो अंश अंशी है उनकी सेवा करना। अगर हम अंशी की सेवा नहीं करेंगे तो हम किसकी सेवा करेंगे, माया की सेवा करनी, अपनी इंद्रियों की सेवा करेंगे। जीव भूलिया भोगवांच करे निकटे माया तारे झपटिया धरे। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम किसकी सेवा करेंगे, माया की सेवा करेंगे, अपनी इंद्रियों की सेवा करेंगे। और अपनी इंद्रियों की अगर हम सेवा करेंगे तो क्या होगा, हम और कर्म बंधन में बंधेंगे और दुखी रहेंगे। आपका अपना भी एक रियलाइजेशन होगा, जब भी हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, आप देखेंगे अपने जीवन में, तो जब भी हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हम कभी अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हैं, जैसे आँख है तो आँख जो है हमने कितना अनगिनत रूप का हम दर्शन करते हैं तो फिर भी हम सेटिस्फाई हो पाते हैं। हम अनगिनत हमारी जीव है, उसकी क्या इच्छा होती है, बहुत सारा कुछ खाना, अच्छा खाना, अच्छा बोलना, लेकिन हम बहुत अधिक बोलते हैं खाते हैं, हम कब संतुष्ट हो पाते हैं, नहीं पाते। हमारा जो शरीर है ये दूसरे को स्पर्श करना चाहता है, लेकिन कभी हम संतुष्ट हो पाते हैं, नहीं। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो उससे क्या होती है, हमें संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपका खुद रियलाइजेशन होगा, जब आप मंदिर आते हैं और भगवान की कोई सेवा करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, संतुष्टि मिलती है। जैसे अगर हमें भूख लगी है और अगर हम खाना खाते हैं तो तीन चीज़ें होती है, क्या होती है, तुष्टि, पुष्टि और अपायन। तो तुष्टि क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, पुष्टि क्या होती है, हमें जो है एनर्जी मिलती है, और अपायन क्या होता है, हमारी खाने की इच्छा नहीं रह जाती है। तुष्टि, पुष्टि और अपायन। और उसी तरह से अगर हम भक्ति करते हैं तो तीन चीज़ें होती, क्या होते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है, हमें नॉलेज मिलता है, ये संसार में, ये संसार जो है दुख्यालम है, अशाश्वतम है, टेम्परेरी है, क्षणिक है। और जो है विरक्ति आती है, जो भक्ति के खिलाफ उनसे विरक्ति आती है, और भगवान के प्रति हमारी क्या होती है, आसक्ति बढ़ती है। तो ये क्या है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट पे श्रील प्रभुपाद जोर दे रहे हैं, इसलिए जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए निर्विशेषवादी जीवों को इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के उत्सुक रहते हैं। तो भगवान जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो परम सत्य है, उसको हम तीन फीचर्स में जान सकते हैं। तो तीन फीचर्स क्या हैं, भागवतम में तीन फीचर्स एब्सोल्यूट ट्रूथ के बताए जाते हैं। एक होता है इम्पर्सनल ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा और तीसरा है भगवान। बदंति तत्व विदस तत्वम यद ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो पहला जो रिलाइजेशंस होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान एक क्या है, लाइट है, एक ज्योति है। तो भगवान एक लाइट भी हैं, एक ज्योति भी हैं, लेकिन वो जो नॉलेज है वो क्या है, परफेक्ट नहीं है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। जैसे सूर्य है, तो जैसे आपके कमरे में अगर सूर्य आ गया, सूर्य की रोशनी आपके कमरे में इंटर किया, तो आप क्या कहते हैं, सूर्य आ गया। अगर आपने कमरे में आपके सूर्य की रोशनी आ गई तो आपको क्या लगता है, सूर्य आ गया।
लेकिन वास्तविक रूप में वो जो रोशनी है वो सूर्य नहीं है, समझ रहे हैं? जो सूर्य की रोशनी है वो सूर्य नहीं है, वो सूर्य से अलग है। फिर आपने सूर्य के दर्शन किया तो वो है परमात्मा रियलाइजेशन। और एक सूर्य के अंदर जो है वो एक देवता भी है जिसको क्या कहते हैं, विवश्वान। जो सूर्य के देवता हैं उसको विवश्वान कहते हैं, जो सूर्य के एक पर्टिकुलर डेमिगॉड्स हैं। तो उसी तरह से जो है यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि हर एक इंद्रिया का जो है और मैं तीन तरह के बता रहा था, इनपर्सनल ब्रह्म, और जो इनपर्सनल ब्रह्म है वो उसका रिलेशन कौन करते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं। तो निर्विशेषवादी कौन थे, जैसे सुखदेव गोस्वामी, चार कुमार। तो चार कुमार जो थे भागवतम के चौथे स्कंद में, तीसरे स्कंद में वर्णन आता है, जब उन्होंने भगवान के चरणों की तुलसी की स्मेल किया और जब उन्होंने ये देखा कि भगवान के चरण कमलों की तुलसी में इतनी सुगंध है तो वो उसके प्रति क्या हो गए, आकर्षित हो गए, और धीरे धीरे क्या हो गए, वो भगवान के भक्त बन गए। तो भगवान की जो भक्ति है उसकी इतनी पोटेंसी है कि अगर हम किसी भी माध्यम से भगवान की शरण में आते हैं तो हम भगवान की तरफ जो है हमारा जो आकर्षण है भगवान की तरफ खींचा चला जाता है। भगवान के फूल को स्मेल करना, भगवान का नामों का जप करना, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान का उच्चिष्ट खाना, तो अगर हम ये करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, वो उससे प्यूरीफाई होती है, शुद्ध होती है। और धीरे धीरे फिर हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाते हैं और भगवान के हम और करीब पहुँचते जाते हैं इस तरह से। और चौथा पॉइंट यहाँ पे रेज कर रहे हैं शिला प्रपात कि भगवान जो है समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशन करते हैं, किंतु वे इंद्रियों को तो प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं, जैसे यहाँ पे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इंद्रियों को निर्देशन कर रहे हैं। तो भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो जो हैं अपने जो शुद्ध भक्त हैं उनको प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। तो यहाँ पे जब अर्जुन भगवद्गीता के सेकेंड चैप्टर के सातवें वर्ष में अर्जुन जब भगवान की पूर्ण शरणागति लेते हैं, कौन सा वर्ष आता है, बहुत फेमस वर्ष है, कार्पण्य दोषो उपह स्वभावा प्रशामितम धर्म समूढ़चेता यशेष्या निश्चितम रोहितन मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। तो ये बहुत फेमस श्लोक्स हैं भगवद्गीता का। इसमें क्या बता रहे हैं कि भगवान मैं अपनी दुर्बलता और कृपणता के कारण जो है अपनी जो अपनी मेरी ड्यूटीज़ हैं उसको मैं भूल चुका हूँ और अब मैं आपकी शरण ले रहा हूँ, आप मुझे जो है आप बताइए मुझे क्या करना है। इसी तरह से हम भी संसार में जो है अपनी हमारी क्या रियल आइडेंटिटी है, हम कौन हैं, हमें क्या करना है, हम भी भूले हुए हैं। तो हमें ज्ञान देने के लिए क्या है, श्रीमद् भगवद्गीता और भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्त और भगवद्गीता हमें क्या करते हैं, हमें ज्ञान बताते हैं हमें क्या करना चाहिए, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे प्रपा जी बहुत सुंदर परपट में आगे बता रहे हैं कि भगवान जो है अलग अलग नामों के कारण भगवान के अलग अलग नाम हैं। तो भगवान के जो है कौन कौन से नामों का वर्णन किया जा रहा है, जैसे भगवान का एक नाम है वासुदेव। क्यों नाम है, क्योंकि वो वासुदेव के पुत्र हैं। देवकी नंदन, क्योंकि देवकी के पुत्र हैं। यशोदा नंदन, क्योंकि उन्होंने यशोदा के पुत्र हैं। पार्थ सारथी, क्योंकि उन्होंने पार्थ जो है वो अर्जुन की उन्होंने सारथी बने हैं। ऋषिकेश, क्योंकि वो अर्जुन के इंद्रियों के स्वामी हैं। गिरधारी, भगवान का नाम गिरधारी क्यों है, क्योंकि उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। मधुसूदन, भगवान का नाम मधुसूदन क्यों है, मधु का डीमन का राक्षस का उन्होंने उद्धार किया था। तो अलग अलग नोमेनक्लेचर्स, अलग अलग नामकरण जो है, अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा नामकरण संस्कार होता था। तो उसी तरह से पहले जो ज़माने में हम जो नामकरण होते थे वो एक पर्टिकुलर एक एक्टिविटीज़ को देख के बच्चे का नामकरण होता था। लेकिन आजकल जो हम बच्चों के नाम रखते हैं चिंकू टिंकू, उसका कोई मीनिंग नहीं है, है ना। हम विदेशी नाम रखते हैं, लेकिन जो वैदिक काल था, वैदिक काल में बच्चों के जो नाम रखे जाते थे वो भगवान के नाम पे रखे जाते थे। भागवतम के सिक्स स्कंद में छठवें कैंटो में एक बहुत फेमस कथा आती है अजामिल की, उनका बेटे का नाम क्या रखा था, नारायण। जब उन्होंने अंतिम में अपने बेटे का नाम पुकारा तो उसी से क्या हुआ, उनका उद्धार हो गया। तो इसी तरह से अगर हम अपने बच्चों के नाम किसके नाम पे रखते हैं,
भगवान के नाम पे रखते हैं तो उससे उससे क्या होगा, हमारा भी जो है भगवान की तरह आकर्षित होंगे और अंत में जो है भगवान हमारा भी क्या होगा, उद्धार हो जाएगा। तो इसी तरह से, और इसी तरह भगवान के दो नाम होते हैं, एक होता है मुख्य नाम, एक होता है गौण नाम। तो मुख्य नाम जो है जो डायरेक्ट एक्टिविटीज़ को प्रेजेंट करता है, जैसे देवकी नंदन जो देवकी के पुत्र हैं, और एक नाम है भगवान का कृष्ण। तो कृष्ण जो है भगवान का बहुत ही मुख्य नाम है, बहुत ही प्रिय नाम है। तो कृष्ण का अर्थ क्या है, सर्व आकर्षक। तो भगवान कृष्ण का नाम सर्व आकर्षक क्यों है, क्योंकि वो सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो भगवान जब इस धराधाम पे थे तो भगवान जो है चाहे वो लिविंग थे चाहे वो नॉन लिविंग थे, जैसे लिविंग जो गाय है, तो जब भगवान अपनी बांसुरी बजाते थे तो जो गाय थी जो बछड़े दूध पीते थे वो दूध पीना छोड़ देते थे, और जो जो यमुना थी जो बहना बहती थी यमुना, वो अपना बहाव दूसरी तरफ कर देते थे या रुक जाते थे। तो भगवान की ऐसे जो है भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। तो इसलिए जो भगवान ने इस कलयुग में जो है भगवान ने अपने नामों में जो है अपनी सारी शक्तियाँ अर्पित कर दी है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादसी तव कृपा भगवान नामामी दुर्देव मी ऋषम न अनुरागा। तो भगवान ने जो है अपने नामों में अपनी सारी शक्तियाँ अर्पित कर दी हैं, और इस नामों का जप और कीर्तन करने में कोई भी समय काल और परिस्थिति नहीं है। कभी भी किसी भी समय हम भगवान का नाम का जाप कर सकते हैं। श्री श्री राधा राधिकारमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौ निताय की जय, जगत गुरु शील प्रभा। तो मैं 5 मिनट और लूँगा और फिर हम आज की कथा को विराम करेंगे। तो भगवान के जो नाम है वो भगवान ने उनमें अपनी सारी शक्तियाँ अर्पित कर दी हैं। तो इसलिए जो है, और अलग अलग जो युग होते थे उसमें भगवान को अलग अलग विधियाँ भगवान को प्राप्त करने के लिए बताई जाती है। सतयुग में कौन सी विधि थी भगवान को प्राप्त करने की, कौन सी विधि थी, ध्यान। तो भगवान को हम भगवान का ध्यान करके हम भगवान को प्राप्त करते किया जा सकता था। फिर जो है त्रेता युग आया, द्वापर युग, त्रेता युग आया, तो भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता था, यज्ञ। तो भगवान का सेक्रीफाइस किया जाता था, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। द्वापर में कौन सी विधि थी, बहुत बड़े बड़े मंदिर का निर्माण, भगवान के अच विग्रह की सेवा। तो आप देखिए, हम ना तो तपस्या कर सकते हैं, हम अपनी घर गृहस्थी में हैं, अपने अलग अलग कामों में हैं, दिल्ली जैसे शहर में हैं, है ना, कैसे हम तपस्या कर पाएंगे। फिर जो है त्रेता युग में सेक्रीफाइस, यज्ञ। यज्ञ के लिए पहले पुरोहित चाहिए, तो पुरोहित जो है आजकल इतने शुद्ध नहीं है पुरोहित। फिर सामग्री चाहिए, पहले जो है घी बताया जाता था, फिर आया शुद्ध घी, फिर है शुद्ध शुद्ध घी, फिर है शुद्ध शुद्ध देसी घी, तो वो भी आजकल शुद्ध नहीं है, घी भी जो है शुद्ध नहीं है, उसमें भी बहुत सारा मिलावट है ना। सामग्री शुद्ध नहीं है, और जो स्थान है वो भी शुद्ध नहीं है। तो हम यज्ञ कर पाएंगे, फिर नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते। और फिर क्या है, फिर हम बड़े बड़े मंदिर, तो इतना धन नहीं है हमारे पास जो हम बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर सकें या भगवान की सेवा कर सके, इतना हमारे पास टाइम नहीं है हम बहुत बड़े बड़े भगवान के मूर्तियों की सेवा कर सकें। तो इसलिए जो है भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ किस में डाल दी हैं, अपने नाम में। तो अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमें वही सारा जो है पोटेंसी, वही सारा चीज़ों का बेनिफिट हमें प्राप्त होता है जो सतयुग में प्राप्त होता था, जो द्वापर में प्राप्त होता था, और जो त्रेता में प्राप्त होता था। तो इसलिए हमें एक भक्त को क्या करना चाहिए, भगवान का नाम का जप करना चाहिए। और उपदेश अमृत में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमें भगवान का नाम का जप कैसे करना चाहिए। वो बताते हैं 7वें वर्ष में वो 2 चीज़ें बताते हैं, एक है अनुदिनम और एक है आदरात। तो भगवान का नाम का आदरात मतलब आदरपूर्वक, बहुत ही प्रेम के साथ हमें जप करना चाहिए। और दूसरा है आदरात और अनुदिनम, अनुदिनम मतलब रोज करना चाहिए। तो भगवान का नाम का जप हमें रोज करना चाहिए और बहुत ही प्रेम के साथ करना चाहिए। तो अगर हम रोज करते हैं और प्रेम के साथ करते हैं, कोई कह सकता है प्रभु जी फिर भी हमारा भगवान के नाम के प्रति अटैचमेंट नहीं हो रहा है, तो उसका क्या रीज़न है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारा आचार्य, एक आचार्य हैं जो कि आप देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के बाद भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति सिद्धांत में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज,
और फिर उनके जो शिक्षा गुरु आते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, तो वो तीन चीज़ें बताते हैं भगवान के नाम में जप में रुचि ना होने के। तो तीन चीज़ें क्या क्या हैं? असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम और अपराध। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे। तो हृदय दौर्बल्यम का अर्थ क्या होता है? हमारा जो हृदय है वो है अभी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन चीज़ों में लगा हुआ है हृदय दौर्बल्यम। और दूसरा है असत तृष्णा। असत का मतलब क्या होता है? असत का मतलब है जो सत नहीं है, असत यानी कि जो सत नहीं है उसमें हमारा मन लगा हुआ है। तो असत क्या है? जो भगवान की सेवा के अतिरिक्त है वो क्या है? असत। तो हमारा जो मन है वो किन चीज़ों में लगा हुआ है? असत। तो उन्हीं चीज़ों के प्रति हमारी अभी तृष्णा है, आसक्ति है, इसलिए क्या है हमारे भगवान के नाम में रुचि नहीं है। और तीसरा कारण बताते हैं अपराध। तो अपराध जो है वो चार प्रकार के अपराध होते हैं। पहला अपराध होता है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध भी छह तरह के होते हैं, वो बहुत ही लंबा टॉपिक है, उसमें मैं डिस्कस नहीं करूँगा आज। फिर है नाम अपराध। नाम अपराध 10 तरह के होते हैं, उस पर भी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो भी 10 तरह के बहुत लंबे हैं। फिर है सेवा अपराध और फिर है जीव अपराध। तो थोड़ा सा थोड़ा मैं बता देता हूँ। तो जीव अपराध है जब किसी जीव को हम भगवान के बारे में नहीं बताते या जीव हिंसा करते हैं किसी जीव को, जैसे हम बहुत सारे मच्छरों को ऐसे मार देते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए हम किसी भी जीव के प्रति जो है हिंसा का काम ना करें। फिर है नाम अपराध। तो नाम अपराध जो है मुख्य रूप से 10 बताए जाते हैं, तो ये पद्म पुराण में बताया जाता है। और अगर आप सुबह मॉर्निंग में आएंगे तो 10 नाम अपराधों की चर्चा होती है। और फिर है सेवा अपराध। तो सेवा अपराध मुख्य रूप से जो हम जो भक्त ड्यूटी सेवा करते हैं, भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, उसमें ड्यूटी की सेवा बताए जाते हैं कि ड्यूटीज़ के सामने हमें कुछ भी पाना नहीं चाहिए। जब भगवान के दर्शन खुले हों तो हमें भगवान के सामने कुछ भी पाना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं देखा मैंने, जब उनको प्रसाद मिलता है तो भगवान के सामने पाने लगते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान का अगर ऑल्टर खुला है तो हमें भगवान के सामने कुछ भी पाना नहीं चाहिए, यानी घर पे भी जब भी भगवान का ऑल्टर खुला हो। अगर आपके पास एक ही कमरा है और भगवान के विग्रह वहीं पर हैं तो भगवान का पहले ऑल्टर बंद कीजिए, फिर आप प्रसाद लीजिए। हाँ, भगवान का ऑल्टर बंद कीजिए फिर आप प्रसाद पा सकते हैं। हाँ, वो पहन सकते हैं, पहन सकते हैं। भगवान के सामने कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। और दूसरा, भगवान के सामने हमें पैर फैला के नहीं पहनना भगवान की तरफ। और दूसरा तीसरा आता है, भगवान के सामने हमें जो है किसी भी भौतिक चीज़ों के बारे में नहीं कहना है, भौतिक परजलपा। हम आते हैं ना मंदिर में, किसी से मिलते हैं, और कैसे हो, ठीक हो, क्या चल रहा है, बिजनेस ठीक है। तो भगवान के सामने हमें भौतिक परजलपा के बारे में भी नहीं करना चाहिए। तो ये भी सेवा अपराध में आता है। ठीक है, तो यहीं पे हम विराम देते हैं। तो अगर मुझसे कोई भूल हो, त्रुटि हो, तो हमें क्षमा कीजिएगा, है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का डाउट्स है, तो पर्सनल पूछ सकते हैं, समय ज़्यादा हो गया। जगत गुरु श्री